नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील शर्मा आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारे चैनल साथ बने रहने के लिए प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा। सीसीटीवी से रिलेटेड कोई भी सवाल अगर आपके पास है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम डेफिनेटली आपको जरूर रिप्लाई करेंगे। आजकल सीसीटीवी यूजर्स के लिए ये प्रॉब्लम बहुत आम हो गई है कि उनका जो डीवीआर है वो सीसीटीवी फुटेज रिकॉर्ड ही नहीं कर रहा। मुझे पूरा विश्वास है यदि आप ये वीडियो पूरा कंप्लीट एंड तक देखते हैं तो डेफिनेटली आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बावजूद इसके अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, डेफिनेटली मैं आपको ना राइट आंसर जरूर दूंगा। फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए यहाँ एक टेम्परेरी सीसीटीवी सेटअप तैयार किया है आपको समझाने के लिए। यहाँ आप अपनी सीसीटीवी स्क्रीन पे आइए, मॉनिटर पे आइए, आप राइट क्लिक कीजिए, यहाँ आप मेनू पे क्लिक कीजिए, एडवांस में आइए और स्टोरेज में क्लिक कीजिए। आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि आपको यहाँ हार्ड डिस्क जो है डिटेक्ट नहीं हो पा रही है। इसकी दो वजह मेन होती हैं, नंबर वन वोल्टेज फ्लक्चुएशन और नंबर टू जो हार्ड डिस्क केबल होती हैं वो डैमेज हो जाती है, उसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। यहाँ पर डियर फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ डीवीआर की बैक साइड दिखा रहा हूँ। ये जो है फ्रेंड्स, आपके सामने यहाँ डीवीआर की बैक साइड दिखाई दे रही होगी आपको। यहाँ हमने डीवीआर को पावर दी है 12 वोल्टेज, आप यहाँ पर देख सकते हैं। नॉर्मली जो हमारे पावर अडप्टर होते हैं, जो डीवीआर के पावर अडप्टर होते हैं, वो 2 एम्पियर या 3 एम्पियर तक होते हैं, बट आप इसे यहाँ चेंज कर दीजिए और यहाँ आप इस्तेमाल कीजिए, यहाँ यूज कीजिए 12 वोल्टेज डीसी 5 एम्पियर। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इसे चेंज कर दीजिए और यहाँ आप यूज़ कीजिए 12 वोल्टेज डीसी 5 एम्पियर। चलो हम इसे चेंज कर देते हैं। फ्रेंड्स, हमने डीवीआर पावर अडप्टर को चेंज कर दिया है यहाँ पर। अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर स्क्रीन पे स्टोरेज आइकन भी आ गया है जो पहले नहीं आ रहा था। अब आप फिर से हार्ड डिस्क को चेक कीजिए, मेन मेनू में हम जाते हैं, उसके बाद एडवांस में जाते हैं, स्टोरेज में हम चेक करते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ अब हमारी हार्ड डिस्क जो है डिटेक्ट हो पा रही है एंड ये इशू था वोल्टेज फ्लक्चुएशन का। अब हम बात करते हैं, अब एक दूसरा रीजन भी होता है जिसकी वजह से हमारी जो हार्ड डिस्क होती है जो डिटेक्ट नहीं हो पाती है, वो है हार्ड डिस्क की केबल्स। चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको शो करता हूं अभी। फ्रेंड्स, ये डीवीआर की इंटरनल स्ट्रक्चर है। जब आप अपने डीवीआर को ओपन करेंगे स्क्रू ड्राइवर के थ्रू तो आपको इस तरह की स्ट्रक्चर डीवीआर के अंदर दिखाई देगी। आप ये देख पा रहे होंगे ये जो हार्ड डिस्क की जो केबल्स हैं, आप इन्हें चेंज कर दीजिए। अगर आपका पावर अडेप्टर आपने जो चेंज किया है उसके बावजूद भी अगर आपकी हार्ड डिस्क जो है डिटेक्ट नहीं हो पा रही तो आप इन केबल्स को चेंज कर दीजिए, बिकॉज सीसीटीवी हम 24 घंटे और 7 दिन यूज करते हैं, इस वजह से ये जो केबल्स हैं ये डैमेज हो जाती हैं। तो आप अच्छी क्वालिटी की यहाँ पे हार्ड डिस्क केबल्स जो है इन्हें चेंज कर दीजिएगा, डेफिनेटली आपकी प्रॉब्लम 110% सॉल्व हो जाएगी। बावजूद इसके अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।